अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह सुबह मट गए थे और यहाँ पे ओट्स और साबूदाने की मैंने उपमा बनाया था और मिक्स करके ओट्स में ओट्स भी कम था तो उसमें मैंने साबूदाना डाल दिया था और बहुत और इसमें स्वीट कॉर्न भी डाला था, प्याज टमाटर शिमला मिर्च ये सब डाल के। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है लेकिन वो भिगोया हुआ साबूदाना रहे तो ठीक। और साइड में यहाँ पर बना रहे थे अपने लिए चाय और आफ्ताब के लिए सुबह सुबह, तो यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो गई थी। और अगर भिगोया हुआ साबूदाना है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर कच्चा डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने कच्चा ही डाला था और यहाँ पे फ्लेम धीमा करके मैंने थोड़ी देर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था तो अच्छे से कुक हो गया था यहाँ पर। और काफ़ी फिर थोड़ी देर पकने के बाद में ना छोड़ दीजिए तो उसके बाद भी उसमें साबूदाना ना फूल जाता है तो ये सही हो जाता है। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला था क्योंकि थोड़ा सा पानी कम हो गया था और यहाँ पे मेरे मेजर में उनका ओपन हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इनको हम लोग रात में देखने जा रहे थे और वहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं था वीडियो शूट करना, तो चोरी चोरी मैंने किया था। तुरंत गार्ड वगैरह डाल दिया, इतना साफ सुथरा हॉस्पिटल। सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे एडमिट है, यहाँ पे वीडियो बिल्कुल शूट नहीं करने दे रहे, तुरंत डांट रहे हैं। ये देखें यहाँ पे एक्वेरियम पे रखी है फिश कितनी अच्छी, और इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इतना क्लीन है, बहुत क्लीन हॉस्पिटल है भैया। सेकंड फ्लोर पे हैं तो हम लोग सेकंड फ्लोर आ चुके हैं, हमें कल से शूट बिल्कुल नहीं करने देंगे तो बस करते हैं। निकल रहे हैं, 11:30 हो गया है और यहाँ से निकल रहे हैं, अभी वार्ड में शिफ्ट नहीं हुए हैं तो मिलने नहीं दिया गया है, आफ्ताब देख लेते फिर भी, और इंशाल्लाह वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे तो हम लोग फिर आएंगे। अभी निकलते हैं, अभी आराम भी जग रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। हॉस्पिटल तो बड़ा है, बहुत बड़ा, तो इसमें तो यहाँ पर वो भी चलता है, पढ़ाई भी चलती है मेडिकल की। तो चलो ठंडी हो गई बहुत ज़्यादा, अभी देखेगा कोई मतलब गार्ड वगैरह देखेगा तो अभी चिल्लाने लगेंगे पक्का। बाहर इतना धुंध हो गया, ओस पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ओस। अभी तक जलेबी चल रही चौराहे पर, 12 बज रहा है चौराहे पर, सुबह से ही 5 बजे से जलेबी बनने लगी, अभी 12 बजने वाली है और जलेबी बन ही रही है, बताओ। शॉप भी बंद हो गई है, अभी आराम के लिए भी लेना है। और चलो यहाँ पे क्वालिटी बेकरी ओपन दिख गई, 12:15 बज रहा है तो पहले उनके लिए बंद ही हो रही है, तो पहले इनके लिए ले लें, अभी वो जग भी रहे होंगे नहीं तो आफत हो जानी है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉप बंद हो रही थी फिर भी मिल गया तो आराम के लिए ले लिया। जेली दो तरह की हो गई, किटकैट इनका ट्रॉपिकाना, तो यहाँ पे भी सब मिल जाता है, पेस्ट्री वेस्ट्री सब कुछ। ये डोनट 40 रुपये पर पीस और लूलू में 99 में 4 पीस, वापस। तो चल अब निकलते हैं, आगे मिल गया इनका नहीं तो अभी बहुत ही ज़्यादा ड्रामा हो जाता, बहुत रोने लगता, आधी रात को ड्रामा नहीं करना चाहिए। अलग छोटा सा बेबी मेरा गुस्सा हो जाता ना कि नाराज़ कि अभी एक तो लेट भी हुआ ना, हम लोग दो काम किए और एक बहुत अर्जेंट काम था वो आधा हुआ और फिर भाई को देखने जाना था, ओपन हार्ट की सर्जरी हुई, उनका बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया, बस अच्छे से डिस्चार्ज हो जाए। अभी वार्ड में शिफ्ट होंगे तब लोगों को मिलने दिया जाएगा, वो भी पर एक एक पर्सन जा सकता है मिलने। हॉस्पिटल बहुत साफ सुथरा और बहुत ही चेकिंग वाला था और बड़ा ही अच्छा हॉस्पिटल था, मतलब हॉस्पिटल वाली महक भी नहीं थी, एकदम अच्छा हॉस्पिटल था आपके लिए। हमें 12:05 पर घर है और हमको प्राइज मिल गया, हरम हैप्पी जेली और क्या भी आई है, रोज जेली, हैप्पी चॉकलेट भी है, किट कैट भी है, हम खाने जा दोनों देखो देखो। रात के 12:30 बज रहे हैं और हम अभी तक खेल रहे हैं, इनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और नींद तो हमें भी नहीं आ रही है फिलहाल के लिए, अभी थोड़ा सा देखते हैं कुछ काम करना है हम मोबाइल में वो करते हैं और उसके बाद यही ये
नो बेबी बॉयज। यही वीडियो नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रहेगा, तो अभी के लिए गुड नाइट। चेयर पे स्माइल ही बना है मेरा बच्चा। अरे स्माइल नहीं, पहले स्माइल। मम्मा ने कैसे बताया था, स्माइल। तो फ्रेंड नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे मैंने बनाया पोहा साथ में चाचा। और अगर हम यहाँ पे अपना मोबाइल देख रहे हो, यहाँ पे हम जोहर की नमाज पढ़ हूँ। तो अभी असर का टाइम हो गया पूरे दिन। और हम भी थोड़ा देर मेरा मोबाइल लिए थे, तो फिर दोपहर का शूट नहीं हुआ था। फिर अभी असर के जान हो चुकी है। नो इंजेक्शन, देखिए इंजेक्शन लगा रहे। नो डॉक्टर, नो 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 नो। मौसम ऐसा चेंज हुआ, अभी प्रेस कर रहे थे और ऐसा गर्मी अंदर से लग रहा है। डबल स्वेटर पहने, गलन तो है लेकिन अभी प्रेस करने में ऐसा ना गर्मी लग रही है। तो अभी 4:30 बज गया, तो अभी चल रहे हैं फटाफट वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बाकी कपड़े बांध प्रेस करें। देखिए यहाँ पे मम्मी का हो चुका है, अभी अरहम का मेरा, और ज़्यादातर अरहम का ही कपड़ा है। बाकी आफ्ताब का सिर्फ स्वेटर वगैरह है लोअर। और यहाँ पर तक कर भी लिया, तब तक मम्मी का हो गया एक ही था। तो अभी चलते पहले नमाज़ पढ़ेंगे, टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी रात के 9 बज रहे हैं। अभी हम लोग का चाय हुआ है यहाँ पे, आगे सोचे चाय भी है मैंने रखा है का पर का प्ले और ये सब चल रहा है इनका। और यहाँ का कॉर्नर थोड़ा सा मैंने वो किया काट, ये जो कर्टन था हम का टॉय वाला, मैंने साइड में भी ये टेबल मैंने खाली किया है इसी पे प्रेस करने के लिए। और मैंने सारा कपड़ा इधर, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई परसों की रात में, पूरी रात नींद आई ही नहीं। तो फजर के टाइम से फिर हम प्रेस करने लगे, वो पूरा प्रेस किया पुराना। फिर परसों जो मैंने धुला हुआ था कपड़ा, वो आज सब अच्छे सूखे से, तो आज फिर उसको प्रेस कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कि हर एक कपड़ा इस टाइम पे सब सबका प्रेस है, मम्मी का, अरहम का, मेरा, आफ्ताब का, सबका फुल प्रेस है। कपड़ा घर का, बाहर का, सब प्रेस है। लोअर तक की मैंने प्रेस कर दिया इस टाइम। और अभी 9 बज रहा है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत लेट भी दोपहर का खाना खाएँ, तो अभी वो लेटी हैं, सो गई हैं, कोई डिस्टर्ब उनको नहीं किया है। और हम भी इधर आके खेल रहे हैं। माशाल्लाह से मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है, माशाल्लाह। आपको भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर देखते हैं तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। और चाय हो गई है, अभी वही सोच रहे पहले नमाज़ पढ़ें फिर खाना खाएँ, फिर खाना खा लें फिर आराम से नमाज़ पढ़ें। अभी देखिए अभी दूध भी लाना है आराम का। और कल है जुमेरात, तो जुमेरात को मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि हर बार तो कीमा मटर मैंने बनाया है। एक बार मैंने ढाबे वाला गोश्त बनाया था, आपको मैंने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इससे पहले वाली वीडियो में है, तो आप लोग जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और कल का मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ जुमेरात, क्योंकि कल हर जुमेरात को अलहमदिल्ला में एक लोग का खाना निकालते हैं। तो वही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। अभी दिमाग काम बिल्कुल नहीं कर रहा, सोच रहे कीमा को दूसरे स्टाइल से बनाऊँ या फिर चिकन बनाऊँ, क्योंकि जुम्मे को भी बनाना है। तो अभी मैंने एक रेसिपी देखी यूट्यूब पे, बांग्ला देसी चिकन पुलाव करके है, तो इंशाल्लाह उसको मैं जुम्मे वाले दिन ट्राई करूँ सोच रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुम्मा को मैंने बिरयानी बनाया था, मटन बिरयानी, तो उस दिन 26 जनवरी था ना, उस दिन तो फिर मैंने दो लोगों को दिया हुआ था। और बस अल्लाह से बरकत दें, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 हो जाएं। आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और दुआ करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल उस हिसाब से नहीं चल रहा है जिस हिसाब से चलना चाहिए, उस वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो जा रहा है, टेंशन से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो लोग शुरू से हैं साथ में मेरे, तो वो लोग को मालूम है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और डेली अपलोड होती है एक वीडियो। अब 30 दिन में 1-2 दिन नहीं अपलोड हुई, लेकिन कोशिश होती है अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ। डेली ब्लॉग में भी, डेली ब्लॉग में भी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं दिखाऊँ, आप लोग की फ़ायदे की चीज़ें। और भारत महोत्सव लग ही चुका है, आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, 20 जनवरी से लगा है।
9 फरवरी तक का लगा हुआ है, ये आशियाने में जहाँ लगता है वहीं पे लगा है। और अभी एक वो हैंडक्राफ्ट लगा हुआ है शहीद पथ पे, वो 4th जैप तक का है, तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर कवर करूँगी। और 4th फैब तक है इंशाल्लाह, आपको वो 4th फैब की मॉर्निंग है इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो देखने को मिल जाएगी। और डालीगंज का मेला आपको पता ही है कि 18 फैब हो चुका है उसकी डेट, एंड प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो ताकि मुझे पता तो चले कि क्या चल रहा है, आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। मुझे पता है आप लोगों को मार्केट व्लॉग मेरे ज़्यादा पसंद है, जहाँ मैं फैब्रिक इतना दिखाती थी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है मम्मी का एक लगभग 10 महीने हो गए जब से मैंने डेली व्लॉग स्टार्ट किया है, मम्मी का मेरा एक्सीडेंट तो हो गया था जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही हैं, प्रॉपर वाकल लेकर चल रही हैं, और बीपी शुगर हाई रहता है, तो इसलिए उनको अकेले छोड़ के मार्केट में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और साथ ही साथ बच्चा अभी मेरा छोटा सा है तो उनको भी देखना है, तो इसलिए मुझे मार्केट का व्लॉग ड्रॉप करना पड़ा, फुल जो मार्केट व्लॉग आ रहा था वो ड्रॉप करना पड़ा। आप लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम है तुम लोगों को फिर से बता दे रही हूँ, तो इस रीज़न से नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि डेली व्लॉग में ही आप लोगों को मार्केट वगैरह का मैं दिखा दूँ, कहाँ पर क्या मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझें और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, कॉमेंट करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और रेसिपीज़ भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो अभी इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग ने देखा ना मैंने बनाया था बहुत ही, और साथ ही साथ हेल्दी कुकिंग का शौक़ है, तो मैंने बनाया था मल्टी ग्रेन पीनट कुकीज़, और इससे पहले मैंने बनाया था कोकोनट कुकीज़, तो उसका दोनों का लिंक ऊपर आप लोग को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो मटन की रेसिपी, चिकन की रेसिपी मैं शेयर करती रहती हूँ, और एक लोग का कमेंट आया था कि बिरयानी की रेसिपी शेयर कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी, और यूट्यूब पे भी मैं रेसिपीज़ वगैरह देखती हूँ, तो उसमें मैं अपना टच ज़रूर डालती हूँ, तो ऐसा नहीं कि कॉपी करके तो वो मेरी रेसिपी बन जाती है, क्योंकि मैं उसमें से कुछ जो चिमच नहीं समझ आता वो हटा के फिर मैं अपना मसाला उसमें ऐड करती हूँ। तो प्लीज़ 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 सब सपोर्ट करें, मेरा बीपी लो ना करें, और बस अभी तो चलिए आफ्ताब अनुपमा देख रहे हैं, आजकल उनको भूत चढ़ा है अनुपमा देखने का, जो अमेरिका का दिखा रहा है ना, तो ये उनका भूत चढ़ा है अनुपमा का देखने का। फ़िलहाल के लिए अभी 9:15 हो रहा है, और मैं कैलेंडर में भी यहाँ पर देखो तो कैलेंडर तो आज है 31st, आज जनवरी ख़त्म, 31st है तो आज जनवरी ख़त्म हो चुकी है, और कल से 1st फेब शुरू होगी, और 4 तक की है, तो इंशाल्लाह मैं 3 को जाऊँगी, और वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, तो शाम तक के आप लोग आराम से जाकर विज़िट कर सकते हैं, और शबे बारात 25th फेब में है कैलेंडर में, चांद के ऊपर डिपेंड करता है फिलहाल, एक या दो दिन आगे पीछे होता है वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं, और रमज़ान शरीफ आपकी 12 मार्च से शुरू हो गया। तो चलिए आज मैंने लंच में क्या बनाया, अभी मुझे यहाँ के लिए अपने रूम के लिए यहाँ साइड में मुझे रखना है ड्रेसिंग टेबल, जहाँ से मैंने ये बेड लिया है, आज बेड भी सही नहीं किया मैंने, जहाँ से बेड लिया है वहीं से ड्रेसिंग टेबल, एंड यहाँ के लिए साइड टेबल लेनी है, जहाँ पे एलम की बॉटल वगैरह, वैसे तो यहाँ पे स्पेस है रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो ड्रॉअर वाली लेनी है कि चश्मा वगैरह ये सब रखने का, तो ये दो चीज़ अभी मुझे अपने रूम के लिए फ़िलहाल के लिए लेनी है, जो मुझे बहुत ज़रूरत लग रही है, ड्रेसिंग टेबल एक साइड टेबल, और ये चीज़ है, और चीज़ें हैं, आजकल थोड़ी सी टेंशन चल रही है दिमाग में मेरे, पता नहीं क्या ये चैनल को लेके ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि व्यूज़ बहुत डाउन हो गया है, तो माशाल्लाह से सब्सक्राइब आप लोग करते हैं चैनल को, बट कमेंट नहीं करते, फैमिली फ्रेंड में शेयर नहीं करते, तो ये थोड़ी सी दिल ना दुखा हुआ, ठीक है।
तो चलिए लंच डिनर में, लंच में मैंने बनाया था मलाई पत्ता गोभी भुजिया, तो मसालेदार तो वही है और उसमें स्वीट कॉर्न डाल के बनाया था। और अभी बस इस टाइम सिर्फ सब्जी रोटी बनाया है, सब्जी थी रोटी आटा गूंथ के रखा था, रोटी बना दी तो वो खाएंगे। खाना खा के फिर जाएंगे मार्केट, दूध लाएंगे, इधर जूस लाएंगे और उसके बाद आएंगे फिर नमाज पढ़ेंगे पूरा और फिर पढ़ के दुआ सो जाएंगे, जो होगा आगे देखेंगे।